महात्मा गांधी के शब्दों में, असली भारत गांव में बसता है। गांधी जी का सपना था संपूर्ण ग्राम स्वराज्य, अर्थात प्रत्येक गांव का सर्वांगीण और चिरस्थायी विकास हो। इसी विचारधारा से प्रवृत्त होकर राजस्थान में सीकर स्थित जमनालाल कनीराम बजाज ट्रस्ट और महाराष्ट्र में वर्धा स्थित कमलनयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन भारत के गांवों के सर्वांगीण और चिरस्थायी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आज यहां के किसानों की साफल्य गाथा में सुनाई देने वाली विश्वास, साहस और आशा की झंकार की बुनियाद है इन्हीं दो संस्थाओं की अथाह मेहनत और निष्ठा। बजाज ट्रस्ट और बजाज फाउंडेशन विकास पुरुष व देशभक्त श्री जमनालाल बजाज एवं कमल नयन बजाज द्वारा प्रेरित होकर स्थापित हुई। गांधी जी और विनोबा जी के ग्राम विकास के सपने को वास्तविक रूप देने वाले इन युग पुरुषों ने दोनों संस्थाओं की नींव में समाज उत्थान के संस्कार को बखूबी रोपा। इन पर पूज्य गांधी जी और विनोबा भावे के विचारों का गहरा प्रभाव था। इन्हीं महापुरुषों से ही उन्होंने सीखा कि हम वास्तव में तभी आबाद माने जाएंगे जब देश के विकास का लाभ अर्थव्यवस्था के अंतिम छोर पर खड़े नागरिक तक पहुंचेगा, और जमनालाल जी ने वास्तव में ऐसा ही कर दिखाया। वर्तमान समय में अपने दादाजी के जीवन मूल्यों और आदर्शों को सतत साकार करने हेतु श्री शिशिर बजाज परिवार ने इस अभियान को राजस्थान के सीकर और महाराष्ट्र के वर्धा जिले के सामाजिक उत्थान तथा आर्थिक विकास को सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ाया। बजाज ट्रस्ट और बजाज फाउंडेशन आज सीकर और वर्धा विस्तार के ग्रामीण लोगों के लिए प्राकृतिक संसाधन की रक्षा, कृषि व्यवस्था, सामाजिक विकास और आजीविका संरक्षण हेतु अनेक गतिविधियां कर रहा है। राजस्थान के सीकर जिले के धोंद, पिपराली, लक्ष्मणगढ़ और दांता रामगढ़ तालुका के 300 गांव और महाराष्ट्र के वर्धा जिले के देओली, आरवी, कारंजा, आष्टी, समुद्रपुर, हिंगणघाट और सेलू के 825 गांव में ग्राम्य समुदाय सक्षम बनकर अपने प्राकृतिक और मानव संसाधनों का विवेकपूर्ण एवं निपुण उपयोग करें और अपने जीवन स्तर को और भी उन्नत बनाए, यही बजाज ट्रस्ट और बजाज फाउंडेशन का मुख्य ध्येय है। चिरंतर विकास के लिए बजाज ट्रस्ट और बजाज फाउंडेशन के मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं: जल स्रोत का विकास और संचालन, मृदा एवं जल संरक्षण, चीर स्थायी खेती, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, महिला सशक्तिकरण, वैकल्पिक आजीविका के अवसर, डिजाइन फॉर चेंज, क्षमता वर्धन और नेटवर्किंग। जल स्रोतों का विकास और संचालन। किसान की सबसे बड़ी जरूरत है पानी। किसान को अगर वक्त पर और नियमित रूप से पानी मिल जाए तो उसे और भला क्या चाहिए। विदर्भ प्रदेश के किसानों में जल प्राप्ति की समस्या हल करने के लिए करीब 2000 कुओं की रीचार्जिंग की गई, 3000 से अधिक खेत तालाब बनाए गए, 600 किलोमीटर से अधिक लंबे नदी व नाले खोदे गए और 225 नदी धाराओं का पुनर्जीवन किया गया। इसके अलावा बजाज फाउंडेशन ने 99 चेक डैम, 2500 से ज्यादा बोरी बंद, 250 सामुदायिक सिंचाई कुएं, 1400 डीजल इंजन और 97 छोटी एवं बड़ी लिफ्ट इरिगेशन योजना जैसे विभिन्न जल स्रोतों को विकसित किया है। साथ ही 4700 किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर के लिए सहायता की है। इसके बेहतरीन परिणाम आज किसान प्राप्त कर रहे हैं। ये जो नाला है कमलनयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन की तरफ से बनाया गया है। नाला बनने के पहले जैसा बारिश के मौसम में फसल नहीं होती थी, अब ये नाला बनने की वजह से खेत में पानी जमा नहीं रहता, उससे फसल भी बढ़ गई, मतलब दुगुना से ज्यादा हो गई। चेक डैम बारिश का पानी संग्रहित कर मिट्टी को बहने से रोकता है। लोक सहभागिता से बनाए चेक डैम की वजह से भूगर्भ जल स्रोत रिचार्ज हुआ है, जिसकी वजह से आसपास के कुओं के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जल स्रोत से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित विस्तार के किसानों को जल प्राप्त हो सके, इसके लिए लिफ्ट इरिगेशन और सामूहिक डीजल इंजन का सफल प्रयोग किया गया है। आवश्यक जल प्राप्त होने से अब सिंचाई के दर में वृद्धि हुई है। जो जमीन बंजर जैसी थी, वह आज किसान बागवानी और फलों की खेती करने लगे हैं। जहां साल में एक बार मुश्किल से फसल होती थी,
वह आज किसान 2 से 3 बार फसल लेने लगे हैं। मेरा 14 एकड़ का खेत है। ये नदी का काम होने के बाद मैं दुगुनी फसल ले रहा हूं। इस खेत में मैं अपना खुद का कुआं कर पाया और साल में 3 बार फसल ले रहा हूं। इस नदी का पुनर्जीवन होने से हम किसानों को बहुत फायदा हुआ। पशुओं को आसानी से चारा तथा पानी मिलने की वजह से पशुपालन का दर भी बढ़ा है। पानी के विकट संकट से जूझ रहे राजस्थान के सीकर जिले में पानी रिचार्ज के लिए 90 स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, जिससे बोरवेल और कुएं फिर से जीवित हो रहे हैं। सामूहिक छतों, घर आंगन के पक्के फर्श व रास्तों से आने वाले बारिश का पानी नेचुरल फिल्टर इकाई से रिचार्ज कर पाइपलाइन से बोरवेल व ओपन वेल में पहुंचाया जा रहा है, जिसका लाभ यहां के किसानों को मिल रहा है। सीकर जिले में साल भर में जरूरत की मात्रा से बेहद कम बारिश होती है, इसलिए वहां पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग करने हेतु बरसात के पानी को जमा करने के लिए 726 पानी संग्रह के भूगर्भ टैंक बनवाए गए हैं। इससे वहां बसे परिवारों को पूरे साल पीने का साफ पानी मिल पाता है। साथ ही स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन जैसी माइक्रो इरिगेशन पद्धति द्वारा उपलब्ध जल का सदुपयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जाता है। हमने ये काम बजाज से मिलके उसके सहयोग लेकर ये काम करवाया और इसको करवाने के बाद में हमारे यहाँ पे TDS में भी परिवर्तन हुआ है और यहाँ का जल स्तर भी बढ़ा है। मृदा एवं जल संरक्षण, जल स्रोतों के विकास में मिली उपलब्धियों से प्रेरित होकर बजाज फाउंडेशन ने महाराष्ट्र सरकार व टाटा ट्रस्ट के सहयोग से ग्रामवासियों को शामिल करते हुए यशोदा नदी पुनर्जीवीकरण की परियोजना तैयार की है। इस परियोजना के अंतर्गत 375 किलोमीटर नदी के पुनर्जीवन से 15,000 किसानों की 40,000 एकड़ की भूमि की सिंचाई हो रही है। इसके अलावा 6,200 एकड़ भूमि को जल प्रभाव से मुक्त किया गया है। यशोदा घाटी वर्धा जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और ये नदी अपनी सहायक नदियों के साथ यहाँ की धरती को अत्यधिक उर्वरा बनाती है। यशोदा नदी पुनर्जीवीकरण योजना के तहत ग्रामवासियों को जल सदुपयोग के प्रति सजग भी किया गया। 327 वाटर यूजर ग्रुप बनाए गए हैं। गांव का अलग अलग जल बजट बनाकर लोगों को सहायता भी प्रदान की गई ताकि जल के नुकसान को नगण्य बनाया जा सके। इसके पहले क्या होता था, ये आड़ी टेढ़ी बहती थी, जहाँ गड्ढा था वहाँ पूरा पानी यहाँ फैल जाता था। ये पानी फैलने से क्या होता था कि हमारी जो जमीन है, खेत है, जो उपजाऊ हमने बना के रखे हुए थे, उसमें सब पानी चला जाता था और हमको हाथ में कुछ नहीं मिलता था। लेकिन ये काम होने के बाद देखिए पूरा क्लीन हो गया है। ये होने के बाद बीच बीच में उन्होंने ऑब्स्टिकल डाले हुए है, वो ऑब्स्टिकल डालने के वजह से पानी आज रुका हुआ है और जो पानी 2 महीने पहले ख़त्म होने वाला था आज भी हमारी नदी को पानी बाकी है। हम अभी एक ही क्रॉप ले रहे हैं, आशा करते हैं कि ये पानी की वजह से हमारा दूसरा तीसरा क्रॉप हम ले सकेंगे। बजाज फाउंडेशन द्वारा अभी तक 235 नदियों का कुल 587 किलोमीटर नदी के पुनर्जीवन से 230 गाँवों के 15,000 किसानों को लाभ हुआ है और किसानों की 75,000 एकड़ भूमि की सिंचाई हो रही है। इसके अलावा 4,999 कुओं की रिचार्जिंग और 17,642 एकड़ भूमि को जल प्रभाव से मुक्त किया गया है। चीर स्थायी खेती, प्राकृतिक खेती, आधुनिक खेती की निरंतर बढ़ती लागत और उसके साथ बढ़ता किसानी का कर्जा, इस दुष्चक्र में आज का किसान फंसा हुआ है। दूसरी तरफ शुद्ध आहार न मिलने से नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ गया है। पद्मश्री सुभाष पालेकर द्वारा प्रेरित प्राकृतिक खेती इस मुश्किल से निकलने का उत्तम मार्ग है। वर्धा और सीकर जिले के 18,500 से ज्यादा किसान सुभाष पालेकर द्वारा प्रेरित प्राकृतिक खेती का सफल प्रयोग कर रहे हैं। किसान गोबर और गौमूत्र के उपयोग से बने जीवामृत तथा दशपर्णी अर्क का खेतों में प्रयोग करते हैं। इससे मिट्टी में लाभकारक सूक्ष्म जीव सृष्टि का विकास होकर खेती के लागत खर्च में 40-45% की कटौती हुई है। एक से ज्यादा फसलें एक साथ लेने से प्रतिकूल व अनपेक्षित जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान का खतरा टल रहा है, साथ ही आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है। फसल का उचित दाम मिले इसके लिए समुचित प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है। इस संबंध में फसल प्रक्रिया उद्योग खड़े करना और बाजार व्यवस्था का निर्माण करना अनिवार्य है।
इस दिशा में बजाज फाउंडेशन और बजाज ट्रस्ट के अथक प्रयासों के फलस्वरूप आमदनी के साथ ही किसानों का आत्मविश्वास और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ रही है। किसान अपना उत्पादन स्वयं बेचने लगे हैं। इन प्रयासों के माध्यम से पारंपरिक मिश्र फसल पद्धति का पुनः प्रसार हुआ है एवं किसानों के बीच स्वावलंबन विकसित हुआ है। यह धान्य मेले का तीसरा साल है। इस मेले में हम गेहूं, चना दाल, तूर दाल, हल्दी और भी काफी दलहन हम लोग यहाँ लाए हैं। यह सभी नैसर्गिक तरीके से उत्पादित उपज यहाँ आए हुए सभी लोगों तक पहुँचाने का हमारा प्रयास है। पिछले साल मुझे ₹50,000 से ₹60,000 का मुनाफा इस धान्य मेले से हुआ था। इस साल करीबन ₹1,00,000 तक का मुनाफा इस मेले में विषमुक्त धान्य बेचकर होगा। बजाज फाउंडेशन के इस धान्य मेले में हमें मौका मिलता है कि हमारी उपज सीधे ग्राहक के पास पहुंचती है। इससे हमें किसान से ग्राहक तक सीधे पहुंचने का मौका मिलता है। यह धान्य मेले में मैं नैसर्गिक तरीके से उगाया हुआ चना लाया था। यह चना लोगों को बहुत पसंद आया, काफी जल्दी बिक गया और मुझे अच्छे दाम भी मिल गए। कृषि और ग्राम विकास को समर्पित राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड के सहयोग से कमलनयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन ने महाराष्ट्र के वर्धा जिले में वाड़ी परियोजना का आरंभ किया। इस परियोजना का मूल उद्देश्य है आदिवासी और निर्बल किसान परिवारों का विकास। वाड़ी योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 1 एकड़ की भूमि पर बागवानी के साथ 2 या ज्यादा फसलें उगाने में मदद की जाती है। फसलों के इस समूह का चुनाव प्राकृतिक, मौसम संबंधी और बिक्री पर केंद्रित मुद्दों को ध्यान में रखकर किया जाता है। वाड़ी का अर्थ होता है फल के पेड़ों का उद्यान, जिसे हम फलों का बाग भी कह सकते हैं। ये परियोजना बागवानी हॉर्टिकल्चर के विज्ञान को लेकर बनाई गई है। इसीलिए हर एकड़ में आंवला, आम और नींबू के पेड़ों के साथ खेती की फसलें बोई जाती हैं। आज 7,000 से अधिक वाड़ियां वर्धा जिले के 8 ब्लॉक में स्थित 200 से भी ज्यादा गांवों में लगाई जा चुकी हैं। आदिवासी परिवार अब अपने घर को छोड़कर अन्यत्र नहीं जा रहे और ये 80% से भी ज्यादा परिवारों में देखा गया है। इन परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार आया है और नियमित आय का सुगम मार्ग इनके लिए खुला है। 1 एकड़ भूमि से एक परिवार को प्रति वर्ष 45,000 रुपए का मुनाफा हो रहा है, जो 7 वर्ष में फल की उपज के साथ बढ़कर 1,00,000 रुपए हो जाएगा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। ग्रामीण इलाकों में पेड़ पौधों और जानवरों की जैविक क्रियाओं का अवशिष्ट अधिक मात्रा में होता है और अक्सर इसे बिल्कुल उपयोगी नहीं समझा जाता, परंतु ईंधन और उर्वरक दोनों ही के निर्माण में ये संसाधन बहुमूल्य है। बायोगैस ये LPG और केरोसिन से सस्ता है और ग्रामीण इलाकों की ऊर्जा की जरूरतों को बखूबी पूरा कर सकता है। साथ ही इसके इस्तेमाल से प्राकृतिक संसाधनों की बचत होगी और इससे होने वाला प्रदूषण भी बहुत कम होगा। परंपरागत चूल्हों का खाना पकने में अक्सर महिलाओं की सेहत पर बुरा असर पड़ता है, किंतु बायोगैस से ऐसा कोई खतरा नहीं है। आज 5,000 से भी अधिक बायोगैस प्लांट 400 गांवों में लगाए जा चुके हैं। प्रत्येक परिवार की सालाना 4,500 रुपए की बचत होती है, जो ईंधन के लिए लकड़ी खरीदने में व्यय किया करते थे। बायोगैस के इस्तेमाल से पर्यावरण में मीथेन गैस की मात्रा में भारी कमी आई, जिससे ग्रीन हाउस गैस का दुष्प्रभाव कम हुआ है। और उर्वरक की बात करें तो हर प्लांट सालाना 7 टन उर्वरक बनाता है, अर्थात कुल मिलाकर ग्राम वासियों के लिए 22,000 मेट्रिक टन उर्वरक अब प्रति वर्ष उपलब्ध हो पाता है। महिला सशक्तिकरण और वैकल्पिक आजीविका के अवसर। वर्धा में 3020 महिला बचत मंडल द्वारा 38,058 महिलाओं को संगठित करने में सफलता मिली है। वैसे ही सीकर में 912 महिला बचत मंडल द्वारा 12,798 महिलाओं को संगठित करने में सफलता मिली है। इस मंडल के माध्यम से महिलाओं को कम ब्याज पर सरलता से मदद राशि उपलब्ध कराई जाती है। जो महिलाएं घर काम करती हैं, उन्हें मंडल की सहायता से आजीविका के नए अवसर प्रदान किए जाते हैं। कमलनयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा महिलाओं को दी गई उद्योगी के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाने का अवसर है। ये है वर्धा के आलोड़ी गांव की सुनीता बहन। इन्होंने अपने घर के बरामदे में किचन गार्डन बनाया है। इस किचन गार्डन में बिना कोई रासायनिक खाद डाले
ऑर्गेनिक पद्धति से सब्जियां उगाती हैं। आज इस गार्डन से इन्हें 5,000 रुपए की मासिक आय प्राप्त होती है। मैंने यहाँ प्राकृतिक खेती की तकनीक का उपयोग किया, जिससे मेरा खर्चा कम हुआ और मुझे सिर्फ बीज का खर्च और साथ में थोड़ी बहुत मजदूरी देनी पड़ी। ये पूरा नैसर्गिक है, जिसमें मैंने देसी गाय का गौमूत्र और गोबर का उपयोग किया है। यहाँ मिलने वाली खरपतवार का उपयोग मैंने खाद बनाने के लिए किया है। मैं इस छोटी जगह से महीने का करीबन 10,000 से 15,000 रुपया कमा लेती हूँ। इस सफलता से प्रेरित होकर थोड़े ही समय में इन्होंने अपने घर में आटा चक्की भी लगा ली और इसमें बचत मंडल की 4 महिलाओं को रोजगार भी देने में सुनीता सक्षम हो सकी। बजाज फाउंडेशन की सहायता एवं मार्गदर्शन के साथ आज ये एक सफल मसाला उद्योग चला रही है, जहां से मिर्ची, हल्दी, धनिया, जीरा इत्यादि तैयार करने के अलावा पापड़, सेवियां, वड़ी और आलू चिप्स बनाकर उनकी पैकिंग और मार्केटिंग की जाती है। सुनीता बहन को इस उद्योग से महीने की 15,000 की आय होती है। यह है मैनाबाई वसु। खेती की फसल का नुकसान होने के कारण मैनाबाई का परिवार बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। मैनाबाई ने तब स्वामी समर्थ बचत मंडल की सदस्यता ग्रहण की। बजाज फाउंडेशन की सहायता से उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु 50,000 का बिना ब्याज का लोन उपलब्ध कराया गया। आज आसपास के गांवों में मैनाबाई के मूंगफली लड्डू और अंबाड़ी शरबत बहुत मशहूर हैं। कृषि मेले में इस शरबत को खरीदने के लिए मैनाबाई के स्टॉल पर बहुत भीड़ जमा होती है। इस व्यवसाय से मैनाबाई को महीने में 10,000 रुपए की आय प्राप्त होती है। बजाज फाउंडेशन बचत मंडल की महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने में प्रोत्साहित करती है और समय समय पर इनके लिए कौशल्य वर्धन शिविरों का आयोजन किया जाता है। मुख्य रूप से यहाँ सिलाई की तालीम दी जाती है और खासकर जिन महिलाओं के परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, वो बहनें सिलाई सीखकर घर बैठे रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। इस कौशल्य वर्धन का यही मूल उद्देश्य है। सिलाई के कौशल्य वर्धन तालीम कार्यक्रम में क्षेत्र के निपुण विशेषज्ञ द्वारा महिलाओं को कपड़े, चमड़े और रैगजीन से बने अलग अलग प्रकार के डिजाइनर बैगों को काटने और सिलने की कला सिखाई जाती है। महिलाएं इसके बाद घर से ही अपना व्यवसाय शुरू करती हैं और मेलों में और आसपास के गांवों में फिर इस सामान की बिक्री की जाती है, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी होती है। डिजाइन फॉर चेंज। विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए डिजाइन फॉर चेंज किरणबीर सेठी द्वारा स्थापित एक अनोखा वैश्विक मंच है, जहां बच्चे विश्व को बेहतर बनाने के लिए समाधान ढूंढते हैं। इस कार्यक्रम से न सिर्फ बच्चों को उन क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर दिया जाता है जिनमें वे रुचि रखते हैं, अपितु साथ ही उनकी क्षमता का वर्धन भी होता है, जिससे उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा खिल उठती है। डिजाइन फॉर चेंज की पद्धति 4 चरणों में अपना काम करती है। पहला कदम होता है फील, दूसरा चरण इमेजिन, तीसरा चरण है क्रिएटिव एक्शन, चौथा चरण है शेयर। डिजाइन फॉर चेंज कार्यक्रम में देखा गया है कि इससे बच्चों में आत्मनिर्भरता और निर्भयता का विकास होता है तथा मनोबल बढ़ता है। सभी छात्र अपना अनुभव दूसरों के साथ साझा करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार के समर्थन से हम 150 से ज्यादा गांवों में 192 स्कूलों तक पहुंच पाए हैं और 7,000 से अधिक बच्चे आज इस कार्यक्रम से परिचित हैं। 320 अध्यापकों को डिजाइन फॉर चेंज के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण दिया जा चुका है। विद्यार्थियों ने तकरीबन 207 प्रोजेक्ट संपन्न किए हैं, जिनके 170 वीडियो YouTube पर देखे जा सकते हैं। किसान निर्माता कंपनी। पहले किसानों के उत्पादन कंपनी बनाने में पहल की जाती है। क्लस्टर में कुछ उत्पादन करने वाले किसानों को शामिल किया जाता शेयर धारक के तौर पर। किसानों को किसान कंपनी की पूरी जानकारी और कंपनी से किसानों को किस तरह से विभिन्न प्रकार के मुनाफे हो सकते हैं उसकी जानकारी देकर उन्हें कंपनी में शेयर धारक के तौर पर पंजीकरण किया जाता है। इस कंपनी के माध्यम से किसानों के लिए एक बिक्री व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक किसान के खेत के उत्पाद को कंपनी का कुछ प्रतिशत मुनाफा रखकर बेचा और खरीदा जाता है। साथ ही किसानों को कंपनी केंद्र से खेती के लिए आवश्यक सभी सामग्री जैसे कि बीज,
खाद, कीटनाशक, कृषि यंत्र इत्यादि उपलब्ध कराए जाते हैं। खेती संबंधी जानकारी, कृषि औजारों की देखरेख हेतु सहायता, भंडारण प्रदान, खेती के लिए हुए नए आविष्कारों की जानकारी और बहुत सी अन्य बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। इस सहायता से किसानों के वक्त और पैसे की बड़े पैमाने पर बचत होती है। कंपनी के माध्यम से किसान दुष्ट बिचौलियों से बचकर खरीद और बिक्री की कंपनी पद्धति से अपनी खेती में ज्यादा मुनाफा कमाने में सफल हो पाते हैं। कमलनयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन वर्धा के मार्गदर्शन से ग्रामोन्नति शेतकरी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सेलू ने एक ऑयल मिल स्थापित किया है। यह आसपास के गांव में मूंगफली की फसल बड़े पैमाने पर होती है। प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा ऑयल मिल स्थापित करने का यही उद्देश्य है कि कंपनी के माध्यम से शेयर धारक किसानों ने उत्पादित की हुई मूंगफली, जवस, तिल और एरंडी की फसल को कंपनी के माध्यम से एकत्रित किया जाएगा और किसानों को फसल की कीमत अच्छी मिलेगी। मूंगफली, जवस, तिल और एरंडी पर प्रक्रिया करके उसका तेल और खली निकालकर कंपनी के माध्यम से मार्केटिंग किया जाएगा। इस ऑयल मिल से किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य मिलने में सहायता होगी और ग्राहक वर्ग को शुद्ध और बिना मिलावट वाला तेल आसानी से उपलब्ध होगा। पहले से ही बजाज फाउंडेशन का यह लक्ष्य रहा है कि किसान आत्महत्या रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। उसी प्रयास के अधीन इस ग्रामोन्नति प्रोड्यूसर किसान कंपनी की नींव रखी गई। हमारे ग्रामोन्नति प्रोड्यूसर कंपनी का मुख्य उद्देश्य किसानों का शोषण रोकना और किसान के उत्पाद को अच्छे से अच्छा बाजार भाव दिलाना है। हमारे सभी डायरेक्टर और हमारे शेयर धारक हर वक्त किसान की मदद के लिए तैयार रहते हैं। हमने अभी तक किसी भी बैंक का कर्ज नहीं लिया। हमारे शेयर धारक और बजाज फाउंडेशन द्वारा की गई मदद से ₹3,50,000 की पूंजी हमने जमा की है। हमारा जो सपना था कि हमारी कंपनी ऑयल मिल का निर्माण करके व्यवसाय करे, यह अब साकार होता दिख रहा है। कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन अंतर्गत वर्धा में अभी तक 12 किसान कंपनी स्थापन की जा चुकी है। इन 12 किसान कंपनी में वर्धा जिले के 5 तालुका से 174 गांव शामिल करके 3,372 किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है। अभी तक इन किसान कंपनी ने कुल मिलाकर 61.23 लाख रुपए के व्यवहार करके कुल मुनाफा 2.17 लाख रुपए अर्जित किया है। किसानों को कुल 6.84 लाख रुपए की बचत हुई है। इसका फायदा सीधे तौर पर 573 किसानों को हुआ है। बजाज फाउंडेशन एवं बजाज ट्रस्ट के अत्यंत सराहनीय कार्यक्रमों को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII द्वारा कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन की नदी पुनर्जीवीकरण योजना को बियॉन्ड द फेंस श्रेणी में प्रथम पुरस्कार घोषित किया गया। फाउंडेशन को 2016 में पानी की श्रेणी में इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन वाटर एयर एंड फूड WAF पुरस्कार से नवाजा गया। पोल स्टार अवार्ड फ्रॉम पोलारिस फाउंडेशन ऑन सोशल इंपैक्ट अवार्ड लाइवलीहुड इन द ईयर 2018। CSR इंपैक्ट अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ रूरल डेवलपमेंट बाय NGO बॉक्स। ग्राम संपन्न तो देश संपन्न, इस ध्येय के साथ कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन निरंतर नित नए ग्राम विकास कार्यक्रम की योजना, प्रबंधक और क्रियान्वयन हेतु सतत अग्रसर है।